LIC के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं जिसे डिप्टी डायरेक्टर कहा जाता है, सरत श्रीवास्तव जी, जी उन्होंने अभी एक ट्विटर के अंदर, फेसबुक के अंदर गाया कि एक तुलसी की एक चौपाई थी कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये तो उस समय कहा था जिस समय शायद हमें होश भी पैदा भी नहीं हुए होंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ का इतिहास रहा होगा, लेकिन अभी सरत श्रीवास्तव जी कहते हैं ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब पीटन के अधिकारी। तो इस पे लोगों ने टिप्पणियां कसी, क्या एक अधिकारी इस तरीके से, क्या बाबा साहब को उसने नहीं पढ़ा? देखिए साहब, बात ऐसी है, वो कहते हैं उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है, बाबा साहब ने क्या काम किया है, बाबा साहब ने सबको समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर जो संविधान बनाया है वो इस हिंदूवादी व्यवस्था को रास नहीं आता। ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं या और जितने समाज सुधारक हुए हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन जिस व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दिया, जिस व्यवस्था के हम सताए हुए लोग थे, जिस व्यवस्था का वो फ़ायदा उठा रहे थे, जो बेनिफिशियरी ऑफ दी सिस्टम थे, उनका नुकसान हुआ है और बहुत भारी नुकसान हुआ है और हो रहा है। इसलिए उन लोगों को, उनके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनका दुश्मन नंबर एक है, जो इस खड़ी व्यवस्था को, साहब कांसीराम कहा करते थे ना, ये खड़ी व्यवस्था, ये जो खड़ी व्यवस्था है, हम यहाँ पे हैं, इतना वजन हमारे ऊपर है, तो जो खड़ी व्यवस्था के जो हम विक्टिम हैं इस सिस्टम के, और ये फ़ायदा उठाने वाले ये 3% लोग, इन्होंने इस व्यवस्था को, बाबा साहब ने ऐसा कर दिया, कांसीराम ने ऐसा कर दिया, तो ये जो शीर्ष से बैठे थे उनको तकलीफ तो होगी। तो ये उनके अंदर की आवाज़ है, अंदर की तकलीफ है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सब आपको ये अधिकार क्यों दे दिए, जो गुलामी करते थे आज सिर उठा करके नौकरी करते हैं, आज सूट वूट टाई पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, जिन महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जेवर पहनने का अधिकार नहीं था, आज वो बन ठन के शादियों में जाती हैं, सब प्रोग्रामों में जाती हैं, तो उनको तकलीफ होती है इन चीज़ों से। क्योंकि आपको ध्यान होगा, एक बार बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कार्यकर्ता सम्मेलन किया था 5-स्टार होटल में दिल्ली में, मैं भी गया था उसमें, मैं वामसेफ का कार्यकर्ता था, मैं गया था, तो पत्रकारों ने कहा था बहन जी से कि एक तरफ तो आप कहते हैं दलितों की पार्टी है, आपके पास पैसा नहीं है, और एक तरफ आप 5-स्टार होटल में मीटिंग कर रही हैं। तो बहन जी ने उनको जवाब दिया था, हाँ बोले मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज तक सारी पार्टियों के लोग मीटिंग करते आए, तब तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन एक दलित की बेटी, दलित की पार्टी आज यहाँ मीटिंग करने आई है, तो आपको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट है कि ये दलित है तो नंगे पैर रहे, ये दलित है तो फटे कपड़े पहन के रहे, ये दलित है तो पत्तलों में खाए, ये दलित है तो झुग्गियों में रहे, इसलिए ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, आपको तकलीफ हो रही है। उसके बाद उन पत्रकारों के पास कोई दूसरा सवाल नहीं आया, वो पूछ सकते। तो ये इनकी तकलीफ है, सामने आएगी, जैसे जैसे हमारा कारवां बढ़ेगा, जैसे जैसे समता, स्वतंत्रता, समानता मिलेगी, हम समर्थ होंगे। जो व्यवस्था के ये जो विक्टिम ऑफ दी, ये जो बेनिफिशियरी ऑफ दी सिस्टम थे, जो सारा मजा लूट रहे थे, हम गुलामी कर रहे थे इनकी, इन्हें तकलीफ होना स्वाभाविक है।